शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से हेलो मम्मी। मम्मी क्या हालत बना रखी है आपने? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? श्रद्धा बबलू ने हमें वीडियो दिखाया। ये सब क्या तमाशा है श्रद्धा, जो खत्म ही नहीं हो रहा। मम्मी मैंने आपसे मना किया था ना, बबलू को मोबाइल फोन मत दीजिए। ऐसे तो कितने सारे वीडियोस आते रहेंगे इंटरनेट पे, अब हर वीडियो को वो देखते रहेगा तो उसका पढ़ाई में मन कैसा लगेगा? श्रद्धा तू आज भी अपनी बहन की गलतियों पर पर्दा डाल रही है ना बेटा, तू समझदार है पर अपने बाकी बच्चों को कैसे समझाऊं मैं? हमें तो लगा था हमने अपने तीनों बच्चों को एक जैसे संस्कार दिए हैं। कीर्ति ने तो अपनी बहन की इज्जत का भी तमाशा बना दिया। मम्मी इसमें कीर्ति की कोई गलती नहीं है, वो तो बस एक पार्टी की। तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है हमने श्रद्धा, और अपनी बहन की तरफदारी करना बंद कर। ये सब देखने से अच्छा माता रानी हमें अपने पास बुला ले। मम्मी प्लीज आप ये कुछ भी मत बोलिए, अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो आपकी तबीयत ठीक कैसे होगी? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरे लिए आपको अपने आप को संभालना होगा। माफ कीजिएगा आंटी, पर ये सब आप ही की गलती है। अबे प्लीज ऐसे मत कहिए मम्मी को प्लीज। क्यों, क्या गलत काम है? यही सब सिखा के भेजा इन्होंने अपनी बेटी को? हम मानते हैं कीर्ति थोड़ी जिद्दी है, मैं उसे समझाऊंगी। आंटी मैं कीर्ति की बात नहीं कर रहा, आपकी बड़ी बेटी की बात कर रहा हूं। क्यों क्या हुआ? श्रद्धा कुछ नहीं कर सकती क्या आंटी? श्रद्धा तुम्हारी मम्मी को तो तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आंटी ये मीना कुमारी की तरह रोना ना इसने आप ही से सीखा है, थोड़ा मुस्कुराना थोड़ा हंसाना भी सिखा देती। देखो अब ये रोई ना तो मैं इसका हाथ पकड़ के आपके पास ले आऊंगा, फिर आप दोनों जुगलबंदी में रोती रहिएगा ठीक है? काश आपकी ही तरह वरुण जी भी परिवार को कीर्ति को संभालना समझाना सीख लें। कोई फर्क पड़ता है तुम्हें? इस घर में भी कदम रखते ही हदें पार हुई है कीर्ति। वरुण जी आप ना हमारी पति की तरह नहीं उस घटिया अभय की तरह बात कर रहा है। अजनबियों के लिए अपने घर के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक है क्या? अजनबी नहीं दोस्त है वो हमारे। वैसे भी उस दिन सुबह सुबह दीदू ने उन्हें भजन कीर्तन में बुलाकर हमारे खिलाफ कर दिया, उसी की भरपाई करने के लिए इस घर में हमने पार्टी रखी, पर नहीं दीदू ने यहाँ भी आके सब खराब कर दिया। पर तुम्हारे दोस्तों ने जो श्रद्धा के साथ जबरदस्ती की वो भी तो गलत था ना? हाँ माना हमारे दोस्तों ने गलती की, हम समझा देंगे उन्हें, अगली पार्टी से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगली पार्टी? हाँ और नहीं तो क्या, दो बार हमारे दोस्तों का मजा किरकिरा हो गया है, उसकी भरपाई करने के लिए एक बड़ी सी अच्छी सी पार्टी देनी होगी हमें। वरुण जी घर बहुत गंदा हो गया है, चलिए सफाई करने, हम तो मर ही जाएंगे अकेले इतना काम है। कीर्ति मुझे कल सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाना है। तो इसमें हम क्या करें? वरुण जी आपको सफाई करनी ही होगी, हम अकेले नहीं कर सकते इतना कुछ, चलिए।
वहाँ सब्जी खरीद लेते हैं। हाँ, हाँ, गोभी दे दीजिए भैया। भाभी अब आपको बाहर आकर ठीक लग रहा है ना, पैर में दर्द ठीक है? भाभी अच्छा लग रहा है ना, हमने कहा था आपसे बाहर निकलेंगी, थोड़ी खुली हवा में आप सांस वांस लेंगी तो आपका दिमाग भी खुल जाएगा। आप लोग ना सब्जी खरीदी, हमें बड़ी भूख लगी, हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। हमारा तो दिल और दिमाग दोनों ही फट गया बाहर आकर। क्या हुआ रितु, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? नहीं 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 भाभी, आप 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 मत देखिए, अगर आप देखेगी तो आपका भी दिल और दिमाग दोनों ही बाहर आके फट जाएगा। क्या बोल रही है? नहीं मत देखिए। सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें अपने इकलौते बेटे को इस हालत में देखना पड़ेगा। सड़क पे खाना खा रहे थे वो, इस घर से कभी आपने उन्हें ऐसे खाली पेट निकलते हुए देखा है क्या, बताइए? अरे सवाल ही नहीं उठता है भाभी। अरे बाहर तो निकलना दूर की बात हुई, अगर वरुण नाश्ता भी नहीं करता ना तो हमने आपके गले से एक भी निवाला उतरते आज तक नहीं देखा है। हाँ हे भगवान, ये कीर्ति ना हमारे वरुण की जिंदगी बर्बाद कर दी है। भाभी सच कहे तो हमारा तो मन कर रहा है कि कीर्ति की अम्मा को बुलाए और उन्हें कहे कि हमें हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए उनकी बेटी से। काश काश उस रात वो सब ना होता। अरे बस करिए रितु, अरे बेकार की बातें याद करके आप बातों का बतंगड़ मत बनाइए। हाँ जो हो गया सो हो गया, बस। पता नहीं हम अपने बेटे को ऐसे देख के कैसे जिएंगे, उन्हें घर जाके दो निवाले भी नसीब होंगे या नहीं। अभी बस कीजिए, मत रोइए, समझाइए ना भाभी को। बस करिए भाभी। वक्त यहाँ? वो मैं पास की मार्केट में जा रही थी तो सोचा पहले आपको ये खाना दे दूँ। श्रद्धा प्लीज अब अंदर तो आओ। नहीं नहीं हो, अभय ने साफ मना किया है इस घर की चौखट को पार करने के लिए। आप ये ले लीजिए। संभल के वरुण जी। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले देखना इसका नतीजा। अभय, 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 अभय! अरे क्या चाहिए तुम्हें, हमारे बेटे को अकेले क्यों नहीं छोड़ देती हो तुम भाई? पहले अपने बेटे को बुलाइए फिर बात करेंगे। अभय, अभय, अभय! ठीक है। जाने के बाद भी वापस आके तुम्हें तमाशा ही करना है। अगर हमारा तमाशा इतना खटक रहा है ना तो अपनी बीवी को काबू में करना सीखो, क्योंकि वो इस वक्त हमारे घर पे है। झूठ बोल रही हो तुम,
मैंने श्रद्धा को मना किया था वहाँ जाने से, वो कभी नहीं मेरी बात टालेगी। किया है उन्होंने हमारे घर की दहलीज पार, हमारे ही घर में हमारे पति के लिए खाना लेकर आई है वो। बहुत गर्व था ना तुम्हें अपनी बीवी पे और आपको अपनी बहू पे। हमें कहते हैं कि हम हद पार करते हैं तो वो क्या कर रही है। अगर अपनी बीवी को नहीं संभाल सकते ना तो हम पे धौस मत जमाओ। ए! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभय से ऐसे बात करने की? और एक मिनट, अब तो ये तुम्हारा घर भी नहीं है कि तुम जब मन चाहे यहाँ पे आके शोर मचाओगी। ये सब ना तुम अपने घर में जाके करो। जाओ, तुम हो कौन? हाँ, इस घर के किसी कोने में पड़ी रहती हो ना? नाम क्या है तुम्हारा? शीतल, भूमिका, सोनाली, अरे जो भी हो अपने काम से काम रखो, हमारे बीच में टांग मत अड़ाओ। हमारा नाम तो तुम्हें याद है ना, या वो भी भूल गई? रितू बुआ, तुम जैसी को बना देते हैं पूंछ कटा हुआ चूहा। जिस गली से आई हो ना उसी गली से बट लो। उल्टे पाव गई थी ना इस घर से बाहर, तो क्यों वापस आकर यहाँ आकर ढोल पीट रही हो तुम? अरे हमें कोई शौक नहीं है ढोल पीटने का। अगर आपकी प्यारी बहू हमारे घर पे जाके मंजीरा ना बजा रही होती, और तुम है कि आपकी बहन यहाँ आके मौका नहीं छोड़ती सबको खरी खोटी सुनाने का। श्रद्धा, अभय के मना करने के बावजूद तुम कीर्ति के घर गए क्यों? तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से तुम्हारी बहन को बदतमीजी का प्रदर्शन करने का फिर से मौका मिल गया। हाँ, हमें बदतमीज बोलने से पहले अपने बेटे को तमीज सिखाइए, जो हमारे घर में हमारी पार्टी में हमारे दोस्तों के साथ बदतमीजी कर रहा था। और दूसरी तमीज ना अपनी बहू को सिखाई, जिसने हमारे जले पे नमक छिड़क रखा है। और आप दीदू, अरे आपको तो एक कौड़ी की समझ नहीं है, हमारी जिंदगी में जहर घोलती रहती है। बस तुमने जो बोलना था हम सबने सुन लिया है, अब और कुछ नहीं है तो चलो निकलो यहाँ से। तो हमें भी कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का। इस घर में रहना कौन चाहता है? अपनी बीवी को संभाल लो, समझा दो उसे कि हमारे जिंदगी में बार बार दखल अंदाजी ना दे। अगर हमारे जिंदगी में किसी ने भी टोका टाकी की तो उसके लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। और दीदू, आप तो अच्छे से ही समझ जाइए, चलो लीजिए भाभी। अब वरुण के साथ साथ अभय भी हाथ से निकल गया है। ये ग्रह विनाशिनी ने इतना कुछ बोला श्रद्धा के बारे में, लेकिन अभय ने एक बार भी एक शब्द नहीं कहा श्रद्धा को। ए, पता नहीं ये दोनों बहनों ने क्या जादू कर दिया हमारे दोनों बच्चों पर। अभय भी गया हाथ। आप मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं? नहीं।
क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उस घर में गई, तो पक्का से कोई ठोस वजह रही होगी। लेकिन मेरी वजह से आपको कीर्ति से इतना सब कुछ सुनना पड़ा, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे श्रद्धा जी, कभी हमें भी शुक्रिया बोलने का मौका दीजिए। शुक्रिया क्यों? क्योंकि अब ये रोज रोज के ड्रामे से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इन सबसे ऊपर उठ चुका हूँ। मुझे सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया श्रद्धा। देखो अब ये रोना मत शुरू कर देना, तुम्हें अपने आंसू से बहुत प्यार है ना। ये नहीं कि मुझे मेरी नई कामयाबी पे मुबारकबाद ही दे दो। सच? हाँ, क्लाइंट को मेरा काम बहुत पसंद आया, उसी के लिए प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। बस तुम्हारी दुआएं काम में आ जाएं और मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। मुझे पूरा यकीन है आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलकर ही रहेगा। बस अब तुम ये घर की उलझनों से बाहर निकलो, तो मेरे काम में मेरा साथ दोगी ही हमेशा। उन्हें हमेशा भड़काना ही होता है। लेकिन तुम्हें वहां पे जाके तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तमाशा तो आपने बना दिया है मोहल्ले वालों के सामने हमारा। क्या हम आपको खाना ही नहीं देते, इसलिए बाहर से लोग आके आपको खाना खिला रहे हैं। बाहर वाले? कीर्ति, श्रद्धा तुम्हारी बड़ी बहन है। बड़ी बहन थी, त्रिपाठी खानदान में जब से उसकी शादी हुई है ना, उनकी तरह बातें करने लगी है, उनकी तरह हमारी बेइज्जती करती है, उनकी तरह उसे लगता है कि हम किसी लायक नहीं है, और अभी आप भी वही कर रहे हैं। अरे मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, वो मम्मी ने मुझे देख लिया था सुबह चाय की टपरी पे नाश्ता करते हुए, इसलिए उन्होंने ही भेजा होगा श्रद्धा को खाना लेके। अरे तो आप ढंग की जगह पे जाके नाश्ता नहीं कर सकते थे क्या? ठेले पे जाके करना जरूरी था? कीर्ति, तुम्हें होश भी है कि तुम किस बात पे मुझसे झगड़ रही हो? अरे इस घर के खर्चे मेरे गले तक आ गए, अच्छी जगह का निवाला खाने की औकात नहीं है मेरी, और तुम्हें ये सोचना चाहिए कि मेरी ऐसी हालत कैसे हो गई कि घर का खाना खाने के बजाय मुझे जाकर रास्ते पे नाश्ता करना पड़ रहा है। ठीक, घर का खाना चाहिए ना आपको, हम बनाएंगे घर का खाना, अब आपको हम देंगे घर का खाना। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, स्वीटू मेरी बात तो सुनो। अरे स्वीटू तुम ये क्या कर रही हो? मेरा वो मतलब नहीं था, ये क्या कर रही हो तुम? आपको खाना चाहिए ना, हम बनाएंगे खाना। अरे आराम से, उंगली कट जाएगी, क्या कर रही हो? हम बना कर ही रहेंगे। अरे क्या कर रही हो तुम, आराम से। आज तो खाना आ गया है ना, तुम कल बना ले, क्या कर रही हो तुम? अरे ध्यान से, अरे उंगली कट जाएगी देख के, क्या कर रही हो? अरे देखा, मैंने कहा था ना जल जाएगा, क्या कर रही हो तुम? भी बिल्कुल सुनती नहीं। अभी बेटर लग रहा है? गृहस्थी चलाना तो दूर, हमने तो शादी के सपने तक नहीं सजाए थे वरुण जी, अचानक से हमारी शादी हो गई, हमें अपना घर छोड़ना पड़ा, हम अपनी जिंदगी कैसे छोड़ दें? सबको लगता है कि हमारी गलती है, कोई हमें नहीं समझता, एक आपसे उम्मीद है कि परिवार वाले हमें समझे या ना समझे, आप समझेंगे। स्वीटू मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि घर की जिम्मेदारियों का तुम पे बहुत दबाव है। आज मेरे साथ खाना खा लो, कल की कल देखेंगे, ठीक है? Oh,
टिफिन। आज आप अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं ना, देखिएगा वो आपको मिलकर ही रहेगा। मैंने माता रानी से मन्नत मांगी है। तुम्हारी मन्नतों का अस्त्र अपने साथ लेकर जा रहे हैं। पूरी शुभकामनाओं के साथ मेरी तरफ से ये आपके लिए। अच्छा, आज ना ताऊ जी का जन्मदिन है, तो आप वापस आते वक्त एक तोहफा ले आएंगे उनके लिए? ठीक है, शाम को मिलता हूँ। हाँ मम्मी। इतने दिनों से जैसे चाय नाश्ता करने की शांति से ना हमारी आदत ही छूट गई थी, मजा आ गया भाभी। बिल्कुल सही कह रही है ऋतु। और आज तो दिलीप भाई साहब का जन्मदिन भी है, वो हम खूब धूमधाम से मनाएंगे। हाँ अच्छा भाभी बताइए ना, क्या क्या बनाया जाए, बोलिए। कैसी बातें कर रही है आप तनु भाभी, वरुण के बिना भाभी जश्न के बारे में सोच भी कैसे सकती है? आज तक एक भी जन्मदिन वरुण के बिना नहीं मनाया है हमने तो। अरे वरुण के जन्म के पहले भी तो हम मनाते थे ना, और आज भी हम हैं, तो पूरा परिवार एक साथ धूमधाम से मनाएगा और क्या। और हाँ, खाने की जिम्मेदारी ना श्रद्धा ने ले ली है, इसीलिए आज उसने काम से भी छुट्टी ले ली है। बाकी के काम आप और हम मिलके कर लेंगे, ठीक कह रहे हैं ना भाभी? वो सब तो ठीक है तनु भाभी, लेकिन श्रद्धा सब कुछ कर लेगी। अब मेरा मतलब था कि पूरा पूरा दिन अब तो उसका ध्यान ना वो छोटी तितली में रहता है, तो कहीं उसी बहाने बड़ी तितली उड़ ना जाए काम से पहले। अरे ऋतु, तितली वितली भूल जाइए, हम ना श्रद्धा को संभाल लेंगे, वो ऐसा कतई नहीं करेगी। हाँ मम्मी जी, मम्मी जी मुझे ना अर्जेंट अभी घर जाना होगा। अरे तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो भाई, तुमने तो छुट्टी ली थी ना। अरे घर में इतनी तैयारियां करनी है, हमने बताया था तुम्हें, भूल गई क्या? मम्मी जी वो बबलू का फोन आया था, मम्मी चक्कर खा के गिर गई है, शायद उनका बीपी लो हो गया है, मुझे उनको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। घर से पैसे लेकर आता हूँ। अरे नहीं पापा, आप क्यों खामखा दो चक्कर करेंगे, आप एक काम कीजिए, आप यही रुकिए, मैं एटीएम से पैसे लेकर आती हूँ, पेमेंट कर देंगे, फिर सब लोग साथ में ही चलेंगे घर। श्रद्धा नहीं बेटा, मैं तुझसे। पापा प्लीज, डॉक्टर ने कहा है ना हमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए, मम्मी के साथ यही रहिए, मैं अभी आती हूँ। नहीं बेटा, मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकता। पापा आप इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मम्मी की तबीयत है, हमें उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हम इस बारे में प्लीज कोई बात नहीं करें, आप यहाँ प्लीज मम्मी के साथ रहिए, मैं अभी एटीएम से पैसे निकाल कर लाती हूँ। जी आप क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। वो
एक्चुअली मैं बैंक आया था पर्सनल लोन लेने के लिए. पर्सनल लोन, इसकी क्या जरूरत पड़ गई वरुण जी? क्या श्रद्धा की जो नया घर है उसके डिपॉजिट में सारे पैसे खर्च हो गए और फिर महीने का किराया भी जो बचाया था वो कीर्ति ने नए घर को सजाने में लगा दी. सब कुछ जानते हुए भी कीर्ति की आदतें नहीं सुधर रही. रोज के रोज बाहर का खाना, पार्टी, ये ड्रेस, वो सामान, पता नहीं कैसे समझाऊं उसे. जब भी मैं हाथ खींचता हूँ तो बुरा मान जाती और रोने लगती. आज भी बाहर से खाना है और नतीजा क्या हुआ? अजार पंची आज पेट पकड़े कहाँ है चंगे? हमारे पेट में दर्द हो रहा है बुआ जी, पर आपको तो शायद मजाक ही लग रहा होगा. अब तुम रोज रोज बाहर का तेल वाला खाना मंगवा मंगवा कर खाओगी तो पेट भी बेचारा तुमसे परेशान ही हो जाएगा, शोर तो मचाएगा ही. हाथ में लेके जो समोसे आप ठूस रही है ना, वही खा के हमारे पेट में दर्द हो रहा है. बड़े बुजुर्ग जब कहते हैं कि घर का खाना ही पौष्टिक है तो काहे तुम आजकल के बच्चे समझते ही नहीं. ओहो, आजाद पंछी के तो ना पर ही कट गए. खाना बनाना तो तुम्हें आता नहीं और जहां से तुम्हें नसीब हो रहा था वो छत तुम्हें रास नहीं आई. एक छत के नीचे जब पूरा परिवार साथ रहता है ना तो खर्चे बढ़ जाते हैं. अब सब कुछ मुझे खुद ही संभालना पड़ रहा है तो बस भगवान ही बताए कि इस समस्या से मैं निकलूं कैसे. वैसे बुआ जी, इस घर का रास्ता कैसे भटक गई आज आप? या सिर्फ हमें ताने सुनाकर पेट भरने आई है या अपना दिल भरने? ताना मारने नहीं आए हैं तुम्हें. आज दिलीप भैया का जन्मदिन है. वरुण हर साल उन्हें बहुत अच्छा तोहफा देता है. वैसे भी तुम लोगों को खाने का न्योता तो मिलने से रहा. वरुण जी, घर के अपने लोगों को न्योते की जरूरत नहीं होती. ताऊ जी का जन्मदिन है, अगर आप आएंगे तो सोचिए उनको कितनी खुशी होगी. उनके जन्मदिन पर कितनी रौनक बढ़ जाएगी. और इतना सब कुछ होने के बाद कीर्ति मानेगी? अगर नहीं मानती है ना तो आपको उसे मनाना पड़ेगा. ऐसे बिगड़े रिश्ते इन्हीं खुशी के मौके पर तो सुधारे जा सकते हैं ना. आप कोशिश तो करके देखिए. श्रद्धा, श्रद्धा, खाना तैयार है और हाँ. अंकल जी का केक हम इस पर रख सकते हैं क्या? हाँ हाँ. हर साल ताऊ जी का जन्मदिन इतने धूमधाम से मनाते थे, इस साल तो सजावट भी नहीं है. लेकिन जो कुछ भी खाने में बना है सब तो उनके पसंद का है, वो तो है ना. हैप्पी बर्थडे ताऊ जी. शुक्रिया बेटा. जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. शुक्रिया. वैसे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? भैया ये क्या बात हुई, आपका जन्मदिन है, हर साल ऐसे ही तो हम मनाते. ये हमारे घर का रिवाज है. हाँ ताऊ जी, और इसी रिवाज को पूरा करते हुए वरुण जी भी आपके जन्मदिन में जरूर शामिल होंगे. माता रानी बस किसी तरह से कीर्ति मान जाए. भैया
अगर ऐसे इंतजार करते रहे तो अगला साल आ जाएगा, चलिए केक काटते, हमें केक खाना है। अभी तक वरुण जी और कीर्ति आए क्यों नहीं? वरुण जी, हमें ऐसे यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा है। स्वीटू, आज पापा का बर्थडे, मेरी खातिर चलो प्लीज। चलो चलिए भैया। अब कौन आ गया? मैं देखती हूँ। सच कहें तो हमें उम्मीद ही नहीं थी कि तुम यहाँ कभी आओगे भी। हाँ, पापा जी का जन्मदिन है ना, तो हमें तो आना ही था। हैप्पी बर्थडे पापा जी। अंदर वरुण सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही हक है इस पर। लेकिन कुछ पल हमारे साथ भी बिता लेने दो, अपनी बुआ के साथ। तू बता, तू कैसा है? हाँ, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। ये लो पानी। अब तुम्हारे घर का रिवाज तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे घर पे ना मेहमानों को पानी पूछा जाता है। लो। नहीं चाहिए। अरे अरे, ऐसे कैसे? हाँ, अरे लो पी लो, तुम मेहमान हो। अरे लो ना, क्यों मना कर रहे हो? अरे लो लो। अरे समझ नहीं आता क्या आपको? बोल रही हूँ नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना। पियो पियो पियो, पागल है क्या? जानबूझ के किया है ना ये। कीर्ति, क्या तरीका है ये बात करने का? हाँ, अरे हादसा था, कोई जानबूझ के उन्होंने नहीं किया है, और सिर्फ पानी ही गिरा है, और कुछ तो नहीं। हम लोग सब चल के केक काटते हैं ना, केक काटने का टाइम हो गया है, आइए। केक काट के सब में बांट दो।
बाजी, इन्होंने तो आपका पूरा का पूरा फेस बिगाड़ दिया। मैंने इतना अच्छा मेकअप किया था, वो भी खराब हो गया। ये सब तुमने जानबूझ के किया इस बार कीर्ति। बस ये लड़की यहाँ आई नहीं कि बस इसके तमाशे शुरू। अब किसी को भी ये चैन से जीने नहीं देगी। हाँ तनुजा जी बस कीजिए। अरे हमें क्या चुप करा रहे। कल इसने हमारे अभय को भर भर के खरी खोटी सुनाई, अब नया तमाशा शुरू। तमाशा करने का ना हमें कोई शौक नहीं है, वो तो वरुण जी के कारण आप सभी को झेल रहे हैं हम। कहा था हमने ना कि आप कुछ नहीं बदलने वाला, पर नहीं, आपको तो हमारी माननी नहीं, देख लो आप खुद। वरुण इसको बोला आज के दिन यहाँ कोई तमाशा ना करे। अरे आइए ना, हम लोग सब चल के खाना खा लेते हैं, नहीं तो खाना भी ठंडा हो जाएगा। आइए शांत हो जाओ, चलो खाना खाते, चलो। नहीं खाना हमें, ये सब सुन के ही ना हमारा पेट भर गया। और इस घर को छोड़ के हम इसीलिए गए थे क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ ताने सुनने को मिलते हैं। कीर्ति, खुद की जुबान पर तो लगाम नहीं है और हमारे तानों से परेशान हो गई है तुम। वारे कलयुग। बुआ जी कभी अपने गिरवान में झांक के देखो, हर बार दूसरों की खोट निकालती रहती है बस। हे भगवान, ये लड़की ने तो शर्म बेच खाई है। अरे उल्टे कदम आई थी ना तो दिमाग भी इस बेवकूफ का उल्टा ही चलेगा। बस कीर्ति, अब तू एक शब्द और नहीं बोलेगी। क्यों चुप रहे हैं? नहीं रहेंगे हम चुप। और आप बुआ जी अपना घर तो बसा नहीं पाई इसलिए दूसरे का घर तोड़ने पे लगी रहती हैं। बस बंद करो ये झगड़ा। तुम दोनों इस घर से निकलो अभी और इसी वक्त। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ आप अपने इकलौते बेटे को घर से बाहर निकलने के लिए कैसे कह सकते? हमने जो कहना था हमने कह दिया, इस पर और बहस नहीं होगी। ऐसा मत कहिए बाप, ऐसा मत कहिए, मैं आपका बेटा हूं। ये हमारा घर है, इस घर से हमें अलग मत कीजिए बाबा। मैं आप लोगों के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा पापा, प्लीज प्लीज हमें इस घर से अलग मत कीजिए। ये क्या बात हुई वरुण, तुम खुद अपनी मर्जी से अलग हुए थे ना अपनी इस बेवकूफ बीवी की वजह से, और अब क्या ड्रामा कर रहे हो तुम? तब तो तुमने अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ हमारे कारण वरुण जी ने घर नहीं छोड़ा है, इस घर के तमाशे से परेशान होके हमने घर छोड़ा है। हमारा बेटा हमसे कभी अलग नहीं हो सकता था, आपने छीना है उनको। ये देखिए अभी भी अपने पिता के पांव पकड़े हुए हैं वो। राहुल जी वरुण माफी मांग रहा है उससे, प्लीज अपना लीजिए। हाँ ताऊ जी, एक बार फिर से इस परिवार को एक कर दीजिए। देखिए ना, उसे पता है कि यही उसका घर है। भाई साहब भाभी के लिए मान जाइए, हमें इस घर में एक पल के लिए भी और कोई तमाशा नहीं देखना है। हमें शांति चाहिए, सिर्फ शांति चाहिए।
वरुण जी, आपको जितनी बेइज्जती सहनी ना, आप सहिए। हम जा रहे हैं अपने घर। पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए। पापा प्लीज, अब से तुम दोनों के लिए इस घर के दरवाजे बंद। पापा 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 प्लीज दरवाजा खोलिए। पापा प्लीज दरवाजा खोलिए, ऐसा मत कीजिए पापा। पापा प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। वरुण जी, अरे कब तक माफी मांगते रहेंगे, कब तक गिड़गिड़ाते रहेंगे? अरे हमारी इज्जत की थोड़ी तो परवाह करिए, छोड़िए ये तमाशा और घर चलिए। श्रद्धा ने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की कि हम इस परिवार में वापस आ जाएं, कि आज सब बर्बाद हो गया, कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आज जब दीदू ने हमारे लिए इतनी कोशिशें की हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि सूद समेत उनका एहसान चुकाए। ओह, तो दीदू ने बहुत कोशिश की ना सब कुछ संभालने की। हमारा तो फर्ज बनता है ना सूद समेत उन्हें उनका एहसान लौटाने का। कितना भी समझा लो तुम्हें, तुम नहीं सुधरने वाली ना। तुम्हारा घोड़े जैसा दौड़ता दिमाग कभी नहीं रुकने वाला है। तुम ही ने बुलाया ना उन्हें? मैं तो बस यही चाह रही थी कि सारे किले शिकवे बुलाकर हमारा परिवार फिर से एक हो जाए, लेकिन सब कुछ उल्टा ही पड़ गया। दोनों बहनें एक ही खून, जितनी वो जिद्दी है उससे सवा सेर तुम जिद्दी हो। हार नहीं मानने वाली हो ना तुम? अब है, आज अस्पताल से निकलने के बाद वहां मुझे वरुण जी मिले थे, तब जाके मुझे पता चला बैंक से लोन लेने की नौबत आ गई है, क्योंकि कीर्ति की ख्वाहिशें खत्म ही नहीं हो रही। बहुत परेशान थे वो। ए, तुम सुधरने वाले हो कि नहीं? और तुम चलो पीछे, किसको सुधरने का कोई इरादा है कि नहीं? दिन में दो तीन बार तो तुमसे चोट लगी जाती है मुझे। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? वो अपने घर की दीवार और टेबल से बात कर रहा था। मतलब तुम्हारी बहन से बात करना मतलब दीवार से बात करना, उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसता है। और ये सब गलती ना वरुण की है, उसी ने सर पे चढ़ा के रखा उसे। अब देखो उसी के सर पे बैठ के नाच रही है। मैं हूं तो ना, कौन के नीचे दो देता है उसको खींच के। वो मेरा मतलब है कि उसे बिठा के अच्छे से समझाता, पैसों की अहमियत बताता। अब ये कैसे सुधरेगी? कीर्ति मिशन खत्म हो गया हो तो सोने चले, नींद आ रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप सो जाइए, आपको सुबह ऑफिस के लिए जल्दी उठना होगा। किस्मत की लकीरों से
हमारे दोस्तों के आने से पहले दीदू का कुछ तो इंतजाम करना होगा ताकि वो दोबारा वापस मुड़ के हमारे जिंदगी में देखे ही ना। कुछ कहा गया तुमने? नहीं कुछ भी नहीं, हम तो बस ये कह रहे थे कि मम्मी से ना हमें बहुत जरूरी काम है तो आप जल्दी थोड़ा कर लीजिएगा, हमें छोड़ के आइए, शाम से पहले हमें वो इम्पोर्टेंट काम निपटाना भी है ताकि कुछ बाकी ना रह जाए। वैसे भाभी आपकी बहू कहाँ है, नजर नहीं आ रही, उसके दफ्तर जाने का समय हुआ है ना? महारानी साहिबा अपने मायके गई हैं। अरे अरे मायके चली गई? ओ वैसे भाभी आपको पता है नीचे ना कल जो कांड हुआ उसके बाद किसी ने कुछ खाया नहीं है और हमारे भूख के मारे ना बड़ा पेट दर्द हो रहा है, भाभी कुछ खाने के लिए दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। ऋतु बिस्किट पड़े हैं खा लीजिए। नहीं ये बिस्किट नहीं खाने हमें। भाभी हमें ना गर्मा गर्म पकौड़े खाने। ऋतु ऐसा है ना उसके लिए आप किचन में जाइए और वहां जो पड़ा है खा लीजिए क्योंकि हम तो अभी कुछ नहीं बनाने वाले। हाँ ठीक है भाभी कोई बात नहीं, हम इसी से काम चला लेंगे। वैसे भाभी हम सोच रहे थे कि अगर अभय ठीक हो तो उसे उस रात की बात बता। कौन से पकौड़े खाने हैं आपको? ओ मेरी प्यारी भाभी आपके प्यार में भिगोए हुए प्याज के पकौड़े गर्मा गर्म चटनी के साथ। अरे पकौड़े बना रही है ना तो साथ में पालक और मिर्ची के भी बना दीजिए। हाय ये लॉटरी हमारी पहले क्यों नहीं लगी। कीर्ति कब सुधरोगी तुम? कितना समझाएं हम तुम्हें? हमें पता था आपको ना हमारा ही कसूर नजर आता है, कभी हमारी तकलीफ नहीं दिखती, ये नहीं दिखता कि वो लोग हमें कितना परेशान करते हैं। सही वक्त पे ना हम निकल गए मम्मी, दीदू फंस गई है वहां पे। बस फंस गई मतलब? आप दीदू को जानते हो ना कि वो कैसी है, उन्हें कोई कितना भी परेशान करे जहर पी लेंगी और कुछ नहीं बोलेंगी। वहां पे ना उनके साथ बहुत बुरा होता है। कुछ भी मत बोलो, कुछ नहीं हुआ श्रद्धा को, वो बहुत खुश है वहां पर, मुझे खुद उसने बताया। उन्होंने बोला और आपने मान लिया? आपने नहीं देखा है दीदू के वो पति अभय त्रिपाठी वो कैसा करता है दीदू के साथ, कितना बुरा भला बोल देता है सबके सामने, और उनकी सास वो तो मानो दीदू को नौकरानी ही मानती है, जब देखो घर के काम ही कराते रहती है। बेचारी दीदू सुबह ऑफिस का काम करती है, रात पे आके घर का काम करती है, कोई नहीं उनको सहारा देने वाला। मम्मी ए, मम्मी कीर्ति तू यहाँ बैठे बैठे क्या मुंह ताक रही है, ये भी नहीं हुआ ना कि जरा सा मम्मी के लिए एक ग्लास पानी लेकर आ जाए? अब मैं ठीक हूँ श्रद्धा। है ना, वैसे भी हम नालायक बेटी के नाम से मशहूर हैं, तो आप करिए ना। मम्मी हम जा रहे हैं, हमारे घर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान आने वाले, तैयारियां करनी है। बाय। अब मम्मी और दीदू दोनों एक दूसरे की परेशानियां सुलटाते रहेंगी और हम अपना जबरदस्त जश्न मनाएंगे। कीर्ति मेरी बात तो सुन। कीर्ति ये
मम्मी आप बस 2 मिनट यहाँ बैठिए। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गरम गरम और बहुत ही हल्का सूप। श्रद्धा, घर पे सब ठीक तो है ना? क्यों, क्या हुआ? वो कीर्ति की हरकतों की वजह से हमने सोचा आप जरा भी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। हर कीर्ति की हरकतों की तो बस समझिए कि हम सबको आदत ही हो गई है। वो तो ठीक है बेटा, इतना बड़ा परिवार है और तुम दोनों एक ही घर में हो, हमें लगता है कि कीर्ति की हरकतों की वजह से कहीं कहीं ना कहीं वो उसका गुस्सा तुम पर भी तो निकाल देते होंगे। मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मी जी पापा जी अभय सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं मुझे। उन्हें मुझे कीर्ति की तरह बात बात पर टोकने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ख्याल रखते हैं वो लोग मेरा। आपने अपनी सुबह की दवाई ली? अभी तक नहीं। क्या है ये मम्मी, मैं भी दवाई लेकर आती हूँ, ये सूप पकड़िए। इसे दवाई लाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? श्रद्धा, अगर दुनिया भर की आग बुझा ली हो ना तो थोड़ा अपने घर की जिम्मेदारियों पे भी ध्यान दे दिया करो। और हाँ, हर बार तुम्हें समय पे आने के लिए हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ सुबह की दवाई क्या हो गया? आप खड़ी हो गई या अचानक से परेशान लग रही हैं आप? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम भी ऑफिस जाओ बेटा, लेट हो जाओगी, जाओ। अच्छा पहले ये दवाइयाँ खा लीजिए। श्रद्धा, अगर अभय जी और उसके परिवार वाले तुम पर इतना भरोसा करते हैं तो तुम्हें उनके वक्त की इज्जत करना चाहिए। जाओ, मैं दवा खा लूंगी, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन प्लीज आप दवाई ले लीजिएगा टाइम पे और ये सूप खत्म कर लीजिएगा। हाँ बाबा कर, तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। हाँ और आप भी। कीर्ति, कीर्ति आज ऑफिस में बहुत काम, थक गया हूँ, कुछ चाय पानी तो पिला दो। हम आपसे नाराज हैं और आपको चाय पानी की पड़ी है। आपने हमारा नया एड्रेस देखा ही नहीं? हाँ वाकई बहुत अच्छी एड्रेस है। अब एक कप चाय मिलेगी प्लीज। वरुण जी, इतने तैयार होके इतनी अच्छी ड्रेस पहन के हम किचन में जाएं? हमारा ड्रेस नहीं खराब हो जाएगा? हमने बना रहे चाय, और चाय पीने की क्या जरूरत है, तैयार होना, हमारे दोस्त आ रहे हैं। चलिए उठिए, उठिए चलिए। पर कीर्ति, पर वर कुछ नहीं वरुण जी, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमारे दोस्त आ ही रहे होंगे। और वैसे भी आज की दावत ना बहुत शानदार होने वाली है। आप अभी भी यहीं खड़े हैं?
अभी भी आ जाएंगे वो लोग। चलिए जाइए जाइए, तैयार होइए, चली जाइए। अच्छा वरुण जी, ये बैग तो ले जाइए, यहीं पड़ा रहेगा, लेके जाइए। हाँ सॉरी। श्रद्धा जी, थोड़े हाथ पैर दबा दूं जी। अरे अरे अरे, बहुत खुश लग रहे हैं। किस बात की इतनी खुशी है अभय जी? मेरे काम का पहला ऑर्डर कंप्लीट हो गया है श्रद्धा जी। क्या, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे आपको नहीं लगता है कि इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा होना चाहिए जी? चलिए जी। इस वक्त कहाँ जाएंगे? आइसक्रीम खाने जी, बहुत मन कर रहा है जी। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आइसक्रीम खाने के लिए थोड़ी देर हो गई है जी? अरे श्रद्धा जी, मैं हूँ ना, आप फिक्र मत करो जी। और ऐसे भी घर वाले सोने की तैयारी कर रहे हैं जी। नहीं अभय जी, मम्मी जी बुरा मान गई तो? मैं चुपके चुपके बाइक निकालता हूँ, तुम फटाफट नीचे मिलो जी, जल्दी आना जी। चलो जी, अब ये खबर तो तुम्हारी सासू माँ तक पहुँचाना पड़ेगा श्रद्धा जी। क्या क्या बात कर रही हो सोनिया? इन लोग इतनी रात में आइसक्रीम खाने गए हैं, इनका दिमाग तो ठीक है या तुमने ठीक से सुना नहीं? हाँ आंटी जी, आपकी बहू जो सबके सामने इतनी सीधी बनती है ना, अंदर से पूरी गोल गोल जलेबी है वो। पहले तो कैसे आपसे पूछ के जाती थी सब कुछ, अब देखो अपनी मन मर्जियां चलाने लग गई है वो। वैसे ये खबर बिल्कुल पक्की है। अरे इतनी जल्दी आप लोगों को खबर मिल भी गई? अरे आप कौन सी खबर ऋतु? अभी बहुत ही बड़ा कांड हो गया है, पड़ोसियों का फोन आया था। वरुण के घर पे ना बहुत बड़ी महफिल जमी थी और इतने जोर जोर से गाने बज रहे थे, आसपास वालों की नींद हराम करके रख दी इन लोगों ने। किसी ने गुस्से में थाने फोन कर दिया, पुलिस आ गई है उसके यहाँ पर उसे पकड़ने के लिए। क्या पुलिस? हे भगवान, बंद कर सब। वरुण त्रिपाठी कौन है? जी सर, मैं हूँ। तुम्हारे खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज हुई है, बाहर आओ बात करनी है। आप सभी बाहर आओ, चलो। पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब से तुम दोनों के लिए इस घर के दरवाजे बंद। नहीं खाना हमें, ये सब सुन के ना हमारा पेट भर गया और इस घर को छोड़ के हम इसीलिए गए थे क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ ताने सुनने को मिलते हैं। अब ये मुझे पसंद है, ये तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, वो आइसक्रीम की दुकान, तुम्हें जो पसंद है वो ले लो वहां से। जी अभय जी। पड़ोसी ने शिकायत की है आपके खिलाफ, इतनी रात को शोर शराबा करना कानूनन अपराध है, समझ में आता है?
पढ़े लिखे हो, समझदार हो, सब बताना पड़ेगा। चलो थाने, जश्न वहीं मनेगा। सर प्लीज, इस बार माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। सर, ये लोग सुधरने वाले लोगों में से नहीं है। जब मैंने इस लड़की से बोला कि आवाज कम करो, लोगों को सोना है, तो उल्टा मुझ पे ही टूट गई। सर, एक आध दिन हवालात की हवा खाएंगे ना, इन लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी। ये लोग पढ़े लिखे नहीं, बदतमीज और जाहिल है। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं देखता हूं। नीतू, क्या हुआ? भैया, अभी अभी हमारी सहेली का फोन था कि वरुण के यहाँ पे बहुत ही बड़ा कांड हो गया है। क्या क्या हुआ? हाँ भाभी, पुलिस आई है उसके घर पर और थाने लेकर जा रहे हैं उसे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे बेटे के साथ? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे से कोई गलती हुई? ये आप अपने बेटे से ही पूछिए। आधी रात को इसने क्या गलती की? आधी रात को शोर शराबा कर रहा है बाजा बजा के, सारे मोहल्ले वालों का नींद हराम कर रखा है। 10 बजे के बाद बाजा बजाना, शोर शराबा करना अलाउ है? जुर्म है ये, सिखाना तो पड़ेगा ही। इंस्पेक्टर साहब, बच्चे हैं, इनकी गलती नजरअंदाज कर दीजिए, माफ करके छोड़ दीजिए ना प्लीज। बच्चे हैं ये, आप इनके मम्मी डैडी हो, मम्मी डैडी हो तो अच्छे से संस्कार देते ना फिर। इनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, थाने तो लेके जाना ही पड़ेगा। जरा ध्यान से देखिए कीर्ति को, शर्म से आंखें चुकाने की जगह घमंड से नाक फुलाकर खड़ी है नकचड़ी। छोटी बहन तो छोटी बहन, और बड़ी बहन भी ना आधी रात को अभय को बाहर घुमा रही है। सब 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 बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। एक काम करते, ले देकर मामला रफा दफा कर देते। रितु, हम बात कर रहे हैं ना इंस्पेक्टर साहब, हम वरुण के पिता हैं, हम हाथ जोड़ के आप सबसे माफी मांगते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। भाई साहब, ऐसे हाथ जोड़कर आप हमें शर्मिंदा ना करें। आपकी खातिर आज ही इन्हें छोड़ देते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम अपनी शिकायत वापस लेते हैं। और इनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर दोबारा हुआ ना तो तुम्हारा बाजा सीधा लॉकअप में बजेगा। मटकाने से और नाक फुलाने से जिंदगी नहीं चलती। इसी घर और परिवार को तुम दोनों लात मार कर आए थे, और देखो वही परिवार अंत में तुम लोगों को बचाने के लिए आया। ये तो हम थे जिसे सबको उठाया और सबको यहां लेकर आए, वरना आज तो तुम दोनों की दावत जेल में पक्की थी समझो। तो बस पे कीजिए अभी।
थैंक यू पापा, आज आपने हमें बचा। चलिए नैना जी, आज का तमाशा यहीं पे समाप्त हुआ। देर रात को पहुंचे, आप इतनी तेज तेज चलेंगे सब जग जाएंगे, थोड़ा धीमे चलिए ना। अरे यार, तो तुम डरती बहुत हो, नई घर है तो दिख नहीं रहा, सब सो रहे हैं, लाइट भी ऑफ है, सुबह कोई पूछेगा तो बोल देंगे हम आ गए थे। अब चलो। मम्मी डरा दिया आपने, ऐसे कोई डराता है क्या आजकल? क्या भूतों भूतों की पिक्चरें देख के हमें डराने की प्रैक्टिस कर रही हो? जान ही निकाल दी। और वैसे इतनी रात को क्यों जाग रही हैं आप? आपको पता है इतनी रात रात भर जागना आपकी उम्र में सेहत के लिए हानिकारक होता है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।